नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। एक ट्वीट में महुआ ने लिखा कि देश के गृह मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है। अडानी और प्रधानमंत्री कार्यालय के गुंडों, तुम्हारा डर देखकर मुझे तरस आता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी यही दावा किया है। इसके कुछ देर बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये अलर्ट मेरे ऑफिस में सबको मिला है। कांग्रेस में लिस्ट बनी है। पवन खेड़ा, सुप्रिया, प्रियंका, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। सरकार चाहे तो मेरा फोन ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसे लेकर एप्पल ने अपना जवाब दे दिया है। एप्पल ने इन थ्रेट नोटिफिकेशंस को किसी विशेष स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर से जोड़ने से मना कर दिया है। कंपनी ने बताया कि अगर हमने जानकारी दी तो अटैकर्स अलर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले महुआ ने एक ट्वीट में कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है। अडानी और प्रधानमंत्री कार्यालय के गुंडो, तुम्हारा डर देखकर मुझे तरस आता है। महुआ ने आगे लिखा, प्रियंका, तुम्हें, मुझे और इंडिया अलायंस के 3 अन्य नेताओं को ऐसे मैसेज आए हैं। इसके बाद महुआ ने एक और ट्वीट करके बताया कि अखिलेश यादव के पास भी ऐसा मैसेज आया है। वहीं राहुल गांधी के ऑफिस के सभी लोगों को ऐसे अलर्ट आया है। ये इमरजेंसी, ये भी बुरा है। देश को ताकझाक करने वाले लोग चला रहे हैं। महुआ ने ट्वीट किया, मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा है कि वे विपक्षी सांसदों की रक्षा करने का अपना राजधर्म का पालन करें। साथ ही गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तुरंत ही बुलाकर इस बारे में पूछताछ करें। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।